नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इजराइल हमास युद्ध की तबाही दुनिया को डरा रही है। गाजा बारूदी कब्रिस्तान में बदल चुका है, लेकिन हमास सरेंडर करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमास के साथ हर गुजरते दिन के साथ एक नया आतंकी संगठन जुड़ता जा रहा है। लेबनान के हिजबुल्ला के बाद यमन के हूती लड़ाकों ने इसराइल पर हल्ला बोल दिया है। इसराइल पर ड्रोन से मिसाइल दागने वाले हूती लड़ाके अमेरिका से भी सीधे टक्कर ले चुके हैं। हूती फाइटर्स ने अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त सेना को कई साल तक युद्ध में उलझाए रखा है, और अब ये लड़ाके इसराइल की जंग में कूद पड़े हैं। पंद्रह दिनों से इसराइल ने गाजा के अंदर 5,000 से ज्यादा एयर रेड करके गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया है, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने नहीं की थी। इसराइल के सामने सफल शासक माने जाने वाले गोल्ड मान्यार को भी ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी थी। सिक्स डे वॉर में गोल्डा मायर ने 8 अरब देशों से अकेले जंग लड़ी थी, लेकिन इसमें यमन शामिल नहीं था। हालांकि अब वो जंग होने जा रही है, उसमें यमन भी कूद पड़ा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 2 मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब इसराइल ने भी इन हूथियों को जड़ से मिटा देने का ऐलान किया है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि हूथी विद्रोहियों ने जो 3 मिसाइलें दागी थी उसका टारगेट इसराइल था। जिसके बाद से इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने यमन में हूथी रेबल्स के अड्डों को तबाह करने की सीधी चेतावनी दे डाली है। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने गाजा पट्टी के साथ लेबनन और यमन पर जवाबी हमले की जानकारी साझा की है। गुरुवार को 19 अक्टूबर को ही अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने यमन से इसराइल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया था कि हूथी ने इसराइल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े थे। मतलब इसराइल का एक और पुराना दुश्मन जंग के मैदान में है। हमास की तरह इसराइल के इस दुश्मन को ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से ही हमास और हूथी को खाद पानी मिलता है। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interests, personnel and our partners. इसराइल पर हमले के साथ ही खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी मिसाइल और ड्रोन से दहलाना शुरू कर दिया गया है। इराक में अमेरिकी बेस एन अल असद पर रॉकेट और ड्रोन दागे गए। इस बारूदी अटैक की गूंज इराक में काफी दूर तक सुनी गई। इस हमले के बाद इराक की सेना ने सैन्य अड्डे के आसपास के इलाके को बंद कर तलाशी अभियान चलाया। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से हमले में 2 रॉकेट के इस्तेमाल की पुष्टि भी हुई है, यानी इसराइल के साथ अब अमेरिका पर हमले शुरू हो चुके हैं। जिन 3 खूंखार संगठनों से इसराइल को एक साथ भिड़ना पड़ेगा, इन तीनों संगठनों के टॉप कमांडरों के चेहरे भी देख लीजिए। हमास का सरगना इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला का आका हसन नसरुल्ला और हूथी विद्रोहियों का कमांडर अब्दुल मलिक अल हूथी। गाजा का चप्पा चप्पा दहल रहा है। गाजा की गलियां बारूद से सनी हुई हैं। गाजा का 30% हिस्सा मटिया मेट हो चुका है। गाजा के मकान कब्रिस्तान बन चुके हैं।
गाजा में कोहराम कब थमेगा? ये खूनी संघर्ष गाजा से निकलकर कितने देशों की तबाही लाएगा? इजराइल इसका सीधा जवाब देता है। हमास के अंत तक जंग चलेगी। हमास इसका सीधा जवाब फिलिस्तीन की आजादी तक देता है। वहीं हमास समर्थक हूथी इस जंग का अंत पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिका की विदाई तक देता है। जाहिर है हूथी का मंसूबा तमाम संगठनों से ज्यादा बड़ा है। यही नहीं, हूथी विद्रोहियों की ताकत और हमले के तरीके भी सबसे भयानक है। हूथी विद्रोही कितने खतरनाक हैं, इसका पता 2019 के हमले से लगता है। सितंबर 2019 में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को ड्रोन हमलों से दहलाया था। तब हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से मिसाइल दागकर तेल कंपनी अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी वाले इलाके बकीक को धुआं धुआं कर दिया था। हूथी विद्रोहियों ने दूसरा मिसाइल अटैक अरामको के खुरैज तेल क्षेत्र में किया था। इन हमलों में इस्तेमाल हथियारों की निशानदेही मेड इन ईरान हुई थी। सऊदी अरब के तेल के कुओं को हूथी विद्रोही फरवरी 2021 में भी मिसाइल हमले से जलाकर खाक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के संयुक्त सेना से लंबे अरसे तक जंग भी लड़ी है। सीएनएन की एक रिपोर्ट बताती है कि हूथी विद्रोहियों को बहुत सारे हथियार तस्करी के जरिए मिलते हैं, लेकिन हूथी विद्रोहियों की असल ताकत ईरान है। मतलब यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठे हूथी विद्रोहियों के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। हूथी विद्रोहियों के हक में एक बात और है, वो ये कि अब संयुक्त अरब अमीरात से इस संगठन की कोई दुश्मनी भी नहीं। हूथी विद्रोहियों का उदय सन 1980 में यमन में हुआ था। हूथी विद्रोही यमन के उत्तर में बसे शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2,00,000 जवानों वाली सेना है। हूथी सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर हर तरह के आधुनिक हथियार चलाने में माहिर हैं। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूथी मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। शिया समुदाय से आने वाले हूथियों की यमन में बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले होते रहते हैं और हूथी विद्रोहियों को जब मौका मिलता है संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते रहते हैं। इसका असर ये हुआ है कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। सऊदी अरब, यूएई की सेनाओं का सीधा मुकाबला हूथी विद्रोहियों से है। हूथी 1980 के दशक से एक्टिव है, सैकड़ों मार चुके हैं, सैकड़ों हूथी विद्रोहियों की जान जा चुकी है। यमन कतरा कतरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भी इन्हें अपनी नहीं हमास की पड़ी है। अपने शीशे के घर से हूथी विद्रोही इजराइल के घर पर पत्थर मार रहे हैं और यहां तो इजराइल पहुंचने से पहले किसी को भी भूमध्य सागर में परमाणु ताकत से लैस दो एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड और आइजनहावर के हमले से गुजरना होगा। लाल सागर में यमन से आए मिसाइलों को भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कॉर्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त किया। युद्धपोत यूएसएस कॉर्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने और पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। यह 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इस पर हमेशा 329 सैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसराइल युद्ध में समर्थन और विरोध की तस्वीरें पल पल बदल रही है, नया समीकरण देख रहा है कि हूथी विद्रोहियों के हमास के समर्थन में उतरने के बाद शायद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ खुलकर उतरने से इनकार करते। ऐसे में ईरान का यह दावा कि अरब देश एक होकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे दावा ही रह जाएगा। खाड़ी में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों शक्ति हैं। हूथी के नाम पर ये दोनों देश ईरान को कतई समर्थन नहीं देने वाले, लेकिन ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग से भी उम्मीदें हैं।
युद्ध की फैलती तेजी बता रही है कि विस्तार तय है जो बहुत भयावह और दर्द भरा होगा। ईरान के मैदान में आने से अभी तक डिफेंसिव मोड में रहे अमेरिका को आक्रामक होना होगा और फिर गाजा ही नहीं धमाके ईरान की राजधानी तेहरान में भी होंगे, धमाके लेबनन में भी होंगे क्योंकि हूथी हिजबुल्ला और हमास एक साथ खड़े हैं और इनसे निपटने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी धावा बोल दिया है। तो देखिए इजराइल लगातार अब हमास पर हमले कर रहा है लेकिन यहां पर बाइडेन की डबल गेम भी सामने आ रही है। तो बाइडेन किस तरीके से डबल गेम खेल रहे हैं, यूं तो वो लगातार कहते रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, वेपन्स भी इजराइल को पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में बाइडेन का क्या है डबल गेम, रिपोर्ट आते हैं। अक्टूबर को अमेरिका के दो बंधक रिहा किए और 21 अक्टूबर को हजारों टन की राहत सामग्री गाजा के अंदर चली गई। क्या बंधकों की रिहाई और राहत सामग्री गाजा के अंदर भेजे जाने को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हमास के खूंखार आतंकवादी इसराइल से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानते हैं, फिर आखिर ये आतंकवादी इतनी जल्दी कैसे अमेरिका के दो बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए? ये वो सवाल है जिसके जवाब से बड़ा कूटनीतिक गेम डीकोड होने वाला है। पिछले 15 दिनों से इसराइल पूरे गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये जानते हुए भी कि गाजा के अंदर इसराइल के 200 से ज्यादा नागरिक कैदी हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। कैदियों में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, ये जानकारी भी इसराइल को है, लेकिन इसके बाद भी इसराइल की ये नीति रही है कि वो कभी भी आतंकवादियों के सामने झुकता नहीं है। और बंधक बनाने के बाद दुश्मन के द्वारा खेले जाने वाले माइंड गेम के दबाव में नहीं आता है और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही यानी हमास के अटैक के दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि इजराइल अब युद्ध में है। उन्होंने कहा था कि वी आर इन वॉर। तब से आज तक कभी भी बेन्यामिन नेतन्याहू ने बंधकों को लेकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, ये जरूर कहा कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने शायद बेन्यामिन नेतन्याहू के सख्त रवैये के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेट डील के तहत अपने बंधकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है। हमास ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के दो नागरिकों को मानवीय कारणों से छोड़ा है, लेकिन हमास के आतंकियों से मानव जैसे व्यवहार की उम्मीद करना बेमानी हो गए। दरअसल गाजा में भूख के बिना हमास के लड़ाके इतने परेशान हो गए कि उन्हें मजबूरी में दो बंधकों को छोड़ना पड़ा और आने वाले दिनों में भी इस तरह की उम्मीद हमास की तरफ से की जा सकती है क्योंकि इजराइल और दूसरे देशों का रुख बहुत कड़ा है हमास के खिलाफ। दरअसल लेबनन के एक अखबार नेहारनेट.कॉम पर हमास की योजना की असल खबर छपी है। लेबनन का ये अखबार लिखता है कि हमास की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने दो अमेरिकी बंधकों को इसलिए रिहा किया है क्योंकि बाइडेन की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया है कि राहत सामग्री के कुछ ट्रक गाजा के अंदर आएंगे और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा। मतलब साफ है कि आतंकवादी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे हैं और इसीलिए सीक्रेट डील के जरिए एक तरफ गाजा के अंदर राहत सामग्री को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दो बंधकों को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सीक्रेट डील में एक अहम किरदार कतर के अमीर भी हैं। याद कीजिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर का दौरा किया था और कतर के अमीर से मुलाकात की थी। इस दौरान क्या बात हुई इसकी फुल डिटेल नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बर्तें खुलने शुरू हो गई हैं। दरअसल अमेरिका के दो बंधकों की रिहाई के बाद कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि
आज रात अमेरिका के बंधकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बातचीत के बाद हुई है। प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल और हमास के साथ कतर की बातचीत इस उम्मीद में जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधकों को रिहा कर देंगे। ईशानी, बात बिल्कुल साफ है कि एक आतंकी संगठन हमास के बिचौलिए की तरह बातचीत कतर की सरकार कर रही थी। अब इस तरह हमास इसलिए कतर के कूटनीतिज्ञों की पीठ ठोकेगा कि राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक गाजा के अंदर पहुंच गए हैं, और जाहिर सी बात है कि गाजा के अंदर जब ये ट्रक जाएंगे तो इन पर कब्जा आतंकियों का ही होगा, क्योंकि गाजा पर जमीनी कब्जा आज भी हमास के आतंकियों का ही है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। पश्चिम की मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी ये कहा गया था कि इसराइल पहले से दावा करता रहा है कि गाजा में जो राहत सामग्री भेजी जा रही है उसके आतंकियों के पास पहुंचने की बहुत उम्मीद है। इसराइल पहले भी ये कह चुका है कि जो ईंधन गाजा भेजा गया था उसे हमास के आतंकियों ने चुरा लिया, और इसीलिए हमास के पास ईंधन का स्टॉक बन गया। पिछले एक हफ्ते से लगातार इजराइल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे और राहत सामग्रियों को गाजा के अंदर जाने दे, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था और उसने दो बार रफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यही नहीं, इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भी बयान दे चुके थे कि अगर गाजा के अंदर राहत सामग्री नहीं जा पा रही है तो इसकी एक और वजह इजराइल की जिद है। इसराइल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुस्सा था जिनके सदस्यों को गाजा के अंदर हमास ने किडनैप किया हुआ है। इन पीड़ित परिवारों ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गाजा के अंदर राहत सामग्री तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक कि इसराइल के सभी 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाए। इस मांग पर नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, क्योंकि शायद अमेरिका और कुछ साथी देशों का दबाव इसराइल पर था कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। पूरी उम्मीद है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से बात की होगी तब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिलाया गया होगा कि अगर हमास बंधकों को रिहा करता है तो इजराइल राफा बॉर्डर को खोलने के लिए राजी हो जाएगा। ईशानी, अगर देखा जाए तो इस पूरी डील में राजनीतिक नुकसान बेन्यामिन नेतन्याहू को हुआ है, इसराइल को रफा क्रॉसिंग खोलने से रणनीतिक नुकसान भी हुआ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले नेतन्याहू के अंदरूनी राजनीति पर बात करनी जरूरी है। इसराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इसराइल के 21% लोग गाजा में हमला करने के विरोध में हैं, लेकिन 65% लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में 51% लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्ला के साथ जंग हो और 49% लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला के साथ भी जंग हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के लिए ये हुई है कि सर्वे के मुताबिक अगर आज इसराइल में चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू की पार्टी को करीब 20 सीटों का नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है कि बंधकों को रिहा किए बिना ही इतनी भारी मात्रा में गाजा के अंदर राहत सामग्री भेजे जाने से नेतन्याहू की लोकप्रियता इसराइल के अंदर और गिरने वाली है। लेकिन नेतन्याहू इसलिए मजबूर है कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए। युद्ध रणनीति के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि हमास के साथ लड़ाई इसराइल की लंबे वक्त तक गाजा में चल सकती है, और गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए हमास को भी लंबे वक्त तक रसद चाहिए, यानी खाना चाहिए। शायद इसीलिए जो राहत सामग्री रफा से गाजा के अंदर गई है उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश आतंकियों के द्वारा की जाने वाली है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि तमाम देश अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अगर आज अमेरिका डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन की सरकार होती और ट्रंप या कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता तो शायद वो हमास और ईरान के खिलाफ ज्यादा सख्त होता, लेकिन नेतन्याहू की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। डेमोक्रेट्स को अमेरिका में रिपब्लिकन के मुकाबले उदारपंथी माना जाता है। देखिए कैसे बाइडन ने पहले बेहद चालाकी से हमास से डील के तहत अमेरिका के दो नागरिकों को रिहा करवाया और फिर अमेरिका के अंदर राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों बंधकों से मुलाकात भी की है और स्वागत भी किया है। ये दोनों अमेरिकी बंधक 7 अक्टूबर को इसराइल के किबुत्स में थे जहां पर आतंकियों ने सबसे ज्यादा हिंसा की थी। यहीं पर नतालिया अपनी दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी लेकिन आतंकियों के कब्जे में चली गई। नेतन्याहू को तो काफी तगड़ा झटका लग गया है क्योंकि 15 दिनों से जो आतंकी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे थे उनके पास अब राहत सामग्री पर कब्जे का विकल्प मौजूद है। लेकिन बंधकों के परिवार में खुशी है, खास तौर पर नतालिया के भाई अपनी बहन की रिहाई से उत्साह में है।
complete shock today when we found out about Natalie and Judith. The media actually found out before we did, and so we were completely taken by surprise, and it was this overwhelming mixture of happiness and sadness and guilt that there are still people that need to be rescued. ब्रिटेन और फ्रांस के नागरिक भी हमास की कैद में हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह गाजा में मारे जा रहे आम लोगों का एक दर्द है, ठीक उसी तरह से गाजा के अंदर हमास में मौजूद छोटे बच्चों के माता पिता का भी दर्द बहुत बड़ा है और रिहाई के इस मौके पर यह दर्द छलक आया। I've been waiting for this moment for a long time, for 2 weeks. I haven't been sleeping for 2 weeks. Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy. And she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand, but she told me it's nothing. She's okay. I spoke earlier with President Biden. I thank him for his concern, for his helping with the release of them. कुल मिलाकर इसराइल और हमास के इस जंग में एक ग्रेट गेम चल रहा है जिसका खामियाजा नेतन्याहू को भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू जैसा सख्त जान जिसने अपने भाई को जंग में खोया है, वो कभी भी इतनी आसानी से रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसला नहीं ले सकता था, लेकिन शायद अमेरिका का दबाव उनकी स्ट्रेटजी पर ज्यादा भारी पड़ा है। गाजा में इसराइल ने ग्राउंड अटैक के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। अब गाजा में ग्राउंड अटैक बस कभी भी हो सकता है और इन सब के बीच में गाजा में हुई तबाही बयां करती सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आई। माना यह जा रहा है कि ग्राउंड अटैक के बाद गाजा में और तबाही होगी। इजरायली रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पर मौजूद सैनिकों से जल्द आदेश आने की बात को कहा है। इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर पर 1000 टैंकों के साथ स्टैंड बाय मोड पर है। इजरायल के अधिकारियों ने कहा कि अब वो कभी भी गाजा में घुसकर हमला कर सकते। बारह घंटे 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे 60 घंटे 72 घंटे इसराइल ने कितने घंटों में हमास के सर्वनाश करने का प्लान बनाया है? कितने घंटे में फिलिस्तीन से हमास को जड़ से खत्म करने की योजना है? फिलिस्तीन की धरती से हमास का सब कुछ खत्म करने के लिए कितने घंटे का वक्त दिया है? क्या उगते सूरज के साथ अपने टैंकों के इस जमावड़े का वीडियो जारी कर इसराइल ने अपने खूनी प्लान से पर्दा उठा दिया है? दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इसराइल ने बहुत ही फुल प्रूफ ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्या इन टैंकों को गाजा की गलियों से गुजार कर हमास को कुचलने वाला है इसराइल? दावे के मुताबिक इसराइल के गाजा पर जमीनी हमले का टारगेट हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को तोड़ना है, उनके ठिकानों को तबाह करना है, हमास को मिट्टी में मिलाना है। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? इस ऑपरेशन में कितनी जान जाएंगी? कितने लोगों का खून बहेगा? हमास के किन किन ठिकानों पर अटैक होगा? दावा है कि इस खूंखार खुफिया प्लान का खाका तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है।
दावे के मुताबिक इसराइल का प्लान है कि हमास पर इतना बड़ा हमला हो जो हमास को जड़ से खत्म कर दे। सेना के सीनियर ऑफिसर को हमास का सब कुछ खत्म करने का टारगेट दिया गया है। इसराइल गाजा सीमा पर इसराइल के टैंक जमा हो गए हैं, हजारों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं, गाजा में घुसने के लिए रेडी हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक इसराइल की सेना के टॉप अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके पास बड़े पैमाने पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दावे के मुताबिक हमास के सर्वनाश के लिए तैयार किए गए ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन रखा गया है। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए IDF ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना को गाजा शहर में घुसने की मंजूरी मिल गई है और वो युद्ध करने के लिए तैयार है। इसराइल की सेना का दावा है कि गाजा के खिलाफ बहुत ही लंबा और भीषण युद्ध होने वाला है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत हमास के आतंकियों की मांग पर इसराइल उत्तर दिशा से हमला कर सकता है। हमास और इसराइल के बीच युद्ध समय के साथ और ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है और हमास से निपटने के लिए इसराइल ने एक फूल प्रूफ वॉर स्ट्रेटेजी बनाई है। इस ऑपरेशन को इसराइल की सेना 5 स्टेप्स में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम दे सकती है। पहले चरण की सबसे पहले बात कर लेंगे, स्टेप 1, उत्तरी गाजा को सीज कर देना। ये देखिए उत्तरी गाजा का ये इलाका है और यहां पर बाकायदा आपको टैंक्स और सैनिक भी दिखाई दे रहे होंगे। बॉर्डर पर खड़ी इसराइल की लाखों की सेना कितनी हो गई है, लगभग 360,000 के करीब सेना की वहां पर तैनाती दी गई है और ये लाखों की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोलेगी और उसे सीज कर देगी। इसी चरण के तहत अभी इजराइल की सेना हवाई हमलों से हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है, यानी कि अभी एयर स्ट्राइक करके इजरायली सेना हावी हो रही है और ऑर्डर मिलते ही यही 360,000 की सेना जमीनी हमला करेगी, पूरी तरह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो यकीन मानिए हमास पूरी तरीके से पंगू हो जाएगा, अपने घुटने टेक देगा। लेकिन बात हम दूसरे स्टेप की भी करेंगे, दूसरा स्टेप दरअसल और भी ज्यादा खतरनाक है, हमास के आतंकियों और लीडरशिप को बाहर कर देना, यह भी प्लानिंग का एक हिस्सा है। देखिए अगर हमास के आतंकियों को और लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को वहां से बाहर कर दिया जाता है तो जाहिर है कि दिशा विहीन हमास हो जाएगा और फिर गाजा से नामो निशान मिटाने को लेकर इसराइल की जो सेना है वो एक स्टेप और आगे हो जाएगी। लेकिन अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप भी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया है, गाजा में इसराइल का एक मजबूत बेस बनाना। देखिए तीसरे स्टेप में इसराइल की सेना हमास की गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके। यानी कि गाजा में अब नई सुरक्षा व्यवस्था होगी जो पहले हमास की हुआ करती थी वो इजरायली सैनिकों की होगी, जिस पर पूरी तरीके से इसराइल की सेना का कब्जा भी होगा। लेकिन चौथे चरण की भी बात कर लेंगे, चौथा चरण क्या रहेगा। देखिए चौथा चरण रहेगा पिन पॉइंट अटैक, यानी कि कच्चा चिट्ठा हमास के आतंकियों का पहले निकाला जाएगा, उसके बाद उन्हें टारगेट किया जाएगा और फिर उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चौथे चरण में इसराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी कि सटीक तरीके से अटैक करेगी और इस स्टेप में इसराइल की फोर्स छोटे छोटे ऑपरेशन जारी रखते हुए हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म कर देगी, यानी कि जो खुफिया तंत्र है हमास का उसे खत्म किया जाएगा। पांचवा और आखिरी स्टेप क्या होगा, पांचवा और आखिरी स्टेप यह रहने वाला है, हम आपको बताएं कि 5 साल में इसराइल की सेना धीरे धीरे हटेगी, यानी कि जो अब इस इलाके में आपको दिखाई दे रही है वो कोशिश करेंगे कि इस तरफ को आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। 5 सालों तक ये चलता रहेगा ये ऑपरेशन और इस स्टेप में इसराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे 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 गाजा से अपनी सेना को हटा लेगी। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, देखिए उत्तरी गाजा को सबसे पहले सीज करने की प्लानिंग है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हमास के आतंकियों और लीडरशिप को बाहर कर देना है, दिशा विहीन कर देना है हमास को, जिससे कि हमास के मिलिटेंट जो है वो तितर बितर हो जाएं। तीसरे स्टेप में गाजा में इसराइल का मजबूत बेस बनाना, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिससे कि इसराइली सेना मजबूती से लड़ सके, वहीं पिन पॉइंट अटैक भी करना उन तमाम मिलिटेंट्स, उस तमाम खुफिया तंत्र पर जिसके भरोसे हमास चल रहा है। वहीं स्टेप 5 में 5 साल में इसराइल की सेना धीरे 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 करके अपने सैनिकों को पीछे हटाएगी, यानी कि कुल मिलाकर हमास के तमाम जो मिलिटेंट्स हैं उनका नामो निशान मिटा देने की इसराइली सेना की तैयारी है। न सिर्फ इतना बल्कि इतिहास के पन्नों में हमास को दफन कर देने का ये फूल प्रूफ वॉर स्ट्रेटजी, फूल प्रूफ वॉर प्लान है। लेकिन यह ऑपरेशन इसराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इसराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हमास ने इसराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इसराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया गया है।
इस वीडियो में हमास ने दिखाया है कि कैसे वो इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर से अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजरायल की फौज कैसे गाजा में घुसने वाली है? गाजा में हमास के खिलाफ कितना खतरनाक जमीनी एक्शन करने वाली है? जवाब इजरायल बॉर्डर से आए इन तस्वीरों को देखने के बाद मिलता है। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर एक। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर दो। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर तीन। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर चार। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर पांच। ये पांच वीडियो तो बस बाकी है। इसराइल ने गाजा को घेर लिया है। इसराइल के जवान गाजा सीमा पर हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री बॉर्डर का दौरा कर जमीनी हमले की बात बोल रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री गाजा बॉर्डर से गरज रहे हैं कि पूरी फोर्स के साथ हम जीतने जा रहे हैं। जमीनी हमले की तैयारी पूरी है। इसके लिए गाजा बॉर्डर पर करीब 3 लाख इजरायली सैनिक और सैकड़ों टैंकों का जमावड़ा है। इसराइल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक गाजा बॉर्डर पर पहुंचकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जमीनी हमले को लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि गाजा के अंदर दाखिल होने का वक्त आ गया है। सुना आपने, इसराइल के रक्षा मंत्री का अपने जवानों से कहना है कि जल्दी ही जमीनी हमले को हरी झंडी मिलने वाली है। ऐसे में हमास इसराइल के सैनिकों का कैसे मुकाबला करेगा? इसराइल की सेना को रोकने के लिए हमास क्या करेगा? गाजा में स्ट्रीट फाइट की कितनी भयंकर तैयारी है? अगर मोसाद या फिर इसराइल की सेना गाजा की गलियों में घुसी तो यकीन मानिए कि वो बहुत ही भयंकर युद्ध साबित होगा। इसराइल की सेना की योजना मरकावा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की हो सकती है। इसराइल का मरकावा दुनिया का सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। अब सवाल ये कि गाजा में हमास इसराइल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा? इसराइल की सेना को रोकने के लिए हमास के पास और क्या है? गाजा को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, इसराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इसराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, इसराइल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इसराइल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? हमास की इस तैयारी को देखिए। यह तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इसराइल की फोर्स जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त गाजा पर इसराइल की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है। बावजूद इसके गाजा इसराइल से लोहा लेने के फुल मूड में है। गाजा में इसराइल की सेना को रोकने के लिए हमास 3 लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार कर चुका है। पहला है, इसराइल को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, उसके टैंक और मिसाइलों को निशाना बनाया जाए।
दूसरा है इसराइल की फौज जब गाजा बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो बॉर्डर पर ही उसको काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए, उसके टैंकों को तबाह किया जाए। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी गाजा की गलियों में इसराइल की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में गाजा का सबसे बड़ा मददगार उसके पास मौजूद हथियार बनने वाले हैं, उसका गोरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इसराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संकरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दना दन चलेगी।